और यहाँ पर मैं सोया पनीर के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। यहाँ के ऑनर जो है वो सुमित्री अग्रवाल जी हैं और मेरे सहयोगी जो हैं श्वेता जी हैं, और यहाँ बायो न्यूट्रिशन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट जो है यहाँ पर सोया पनीर बरी यहाँ पर बनाई जाती है। और जो पनीर बनाया जाता है सोया पनीर, उसमें हम वेजिटेबल और जो भी आपको फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर यहाँ तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर हमने बॉयल किया हुआ 3 लीटर पानी ले लिया है जो खूब अच्छी तरह से बॉयल किया गया है। उसमें हमने आधा केजी जो पाउडर है सोया का, ये देखिए ये पाउडर ऐसा है बिल्कुल महीन है, अब इसको हमने इसमें करके डालना है, लेकिन डालेंगे बिल्कुल आराम से थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि इसमें गूर ना बने। तो ये इसे डालते रहे इसमें और इसको हिलाते रहे तो ये दूध बन जाएगा। अब जब ये दूध तैयार हो जाएगा तो हम इसमें ये डालेंगे ये वाला पाउडर, लेकिन ये वाला पाउडर जब पहले दूध तैयार हो जाएगा, देखिए जब दूध तैयार हो रहा है यहाँ पर हिला रही हूँ, जब तक मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो पाउडर है इसमें इसका हमने हाफ के जी लिया है, यानी कि हमने 3 लीटर पानी में हाफ के जी ये लिया है, और यदि हमें 6 लीटर पानी में और फुल लेना है तो हमारा 1 किलो पनीर बनता है सोया पनीर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लाते गए हैं, दूध बना रहे हैं ये, जब ये दूध पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से अच्छे से फिट नहीं जाता, यानी कि पूरा दूध तैयार नहीं हो जाता जब तक हम इसको फेंटेंगे, ठीक है। अब ये पूरा अच्छे से दूध मिक्स हो रहा था, यहाँ पर पाउडर पूरा तरह से मिक्स कर लेते हैं, है ना, ये देखिए पूरा तरह से पाउडर हो गया, मिक्स हो गया, ये दूध रेडी हो गया। बहुत अच्छे से फेंट लिया इसको, रेडी है, ये तैयार हो गया अपना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी ले लिया और इसको आधा लेना, इसको भी हमें आधा ही डालना पड़ेगा, ये 150 पानी है इसमें मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ले लिया, अब उसके बाद यहाँ से ये काट के तो ये इसमें डला हुआ है, अब ये वाला पानी हम इसमें डाल देंगे भगोने में, ठीक है। अब इसको ये इसमें डाल दिया जाएगा, ये इसको डाल देंगे और 10 मिनट में ये रेडी होगा, लेकिन ये दूध पहले फटेगा, जब ये दूध फट जाएगा, देखिए ये दूध फट गया, अब ये यहाँ पर ये ना ये फटने लगा, ये दूध फट जाएगा, 10 मिनट हम यहाँ इसमें रखेंगे, उसके बाद इसको बांध देंगे कपड़े से। Thank you.
करते जाएंगे पानी निकलता जाएगा। कितना टाइम रखना पड़ेगा? नहीं 15 मिनट। अब टेस्ट करा देते सर। आप बोलते हैं सर कि आप सब टेस्ट कराओ तो खाना खा के नहीं आते। हो गया हमारा सोया पनीर तैयार। अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब यहाँ से इसको निकाला एक
धूप में रहना चाहिए पानी को। हाँ, प्रॉपर्ली इवन हो जाता है। पानी में भी थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, तो सादा भी बना सकते हैं, सॉल्ट भी डाल सकते हैं। जैसे पानी में भिगोया ना, नमक के पानी थोड़ा सा नमक वाले पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा पानी नमक वाले ले लेंगे। चॉकलेट वाला है ये, बच्चों के लिए ज़्यादा ये भी आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पर ये मतलब पाउडर भी है, स्ट्रॉबेरी यानी कि आप कोई सा भी आप फ्लेवर इसमें आप तैयार कर सकते हैं इस वाले पाउडर से, और आप कोई सा भी दूध इसमें तैयार हो सकता है। यानी कि हमारे पास तीन फ्लेवर हैं, तीनों फ्लेवर आप इसमें मिक्स करके आप दूध बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अब ये जो हमारे पास ये पनीर है, सोया पनीर, इसको हम काटेंगे, छोटे छोटे इसके पीस कर लीजिए। छोटे जब पीस हो जाते हैं तो ये इस तरह से हो जाते हैं, नहीं इसको काट के भी काटते हैं यहाँ पर। अभी ये गर्म है, इसको जरा ठंडा हो जाता है उसके बाद काटा जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक गर्म पीस आपको तुरंत बता रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा पीस आया है यहाँ पर, ये ऐसे पीस करके आप इसको काट लीजिए। अच्छा, इसमें आप भी ना चाट मसाला डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, और साथ में आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू का नमक आप इसको थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा चाट मसाला। ये चाट मसाला भी तैयार है। अब ये खाने का मज़ा तो कुछ और ही है ना, जैसे इसको इसमें लिया और बहुत टेस्टी है।